वहाँ पे किशनगढ़ धर्मशाला में रह रहा था 20 तारीख से। मैं उसके धर्मशाला में सेल्समैन नहीं हूँ, मैं लोकर का काम करता, लोकर बेचता हूँ। मेरा लोकर का पैसा था 1,74,000 रुपये। धर्मशाला का वॉचमैन है, उसको पता था मेरे, मैंने बाहर खाना खाने के लिए गया था, तब मैं रूम में लॉक लगा के नहीं गया था, सूटकेस के लॉक लगा हुआ था। उसने पीछे से मेरे सूटकेस का चेन तोड़ के, लॉक तो तोड़ा नहीं उसने, चेन ही तोड़ा, चेन तोड़ के वो पैसे निकाले थे। वापस मैं आके रूम में देखा था तो उन्होंने मेरे ऊपर आरोप दिए, आप मेरे, आप शराब पी के मेरे दीवार कूद के अंदर आए थे। अब मैं दीवार कूद के मैं कहाँ आया था, मैं आज 9 साल से रह रहा हूँ, मेरा रिकॉर्ड देख लो उसी धर्मशाला में कि मैंने कभी ऐसी कोई घटना घटी घटी कि मेरे साथ, लेकिन मैंने कुछ, आज 9 साल से रह रहा हूँ लेकिन मैंने कुछ कभी नहीं किया। लेकिन आज मेरा पैसा निकला ना, तब वो लोग मेरे सामू मेरे पे इंजाम लगा रहे हैं कि आप मेरे धर्मशाला मैनेजर कि ये मेरे घर घर के अंदर आ गया था। होटल क्या नाम इसका? छाजड़वास धर्मशाला है वो। कहाँ पर है ये? वहाँ पे किशनगढ़ के अंदर एक जो चाजरवाद धर्मशाला। फिर साहब बोले, थानेदार साहब मैं रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए गए थे तो उन्होंने मेरे को वहीं गिरफ्तार कर लिया, वहाँ बिठा दिया सूटकेस लेने के लिए। वो लोग आए थे वहाँ पे धर्मशाला में सूटकेस, ये मेरा बैग लोकर बैग लेके फिर थाने आ गए थे। फिर उल्टा मेरे को बोल रहे कि तू झूठा है हमारे, कितने पैसे थे? 1,74,000 रुपये मेरा। अभी आप कहाँ आए? अभी मैं अजमेर आया हूँ, वहाँ पे सुनवाई नहीं हुई इसीलिए मैं अजमेर आया हूँ। एसपी साहब का थाने वाले क्या बोल रहे हैं आपको? हैं थाने वाले बोलते हैं कि तू जुड़ा हुआ सामने वाला पार्टी, तू ऐसा उसके घर में घुसा था। मैं बोला साहब मेरा फिंगरप्रिंट है उसके घर में, मैं कहीं घुसा तो मेरा फिंगरप्रिंट ले लो आप, मैं झूठ बोल रहा हूँ ना, तो आप मेरा जहाँ पे दीवार में एंट्री तो होगी ना? हाँ एंट्री है मेरी, 9 साल से मेरा रिकॉर्ड देख लो आप। अभी एसपी साहब से मिलने नहीं जा रहा है, ठीक है? बोलते हैं आप सोमवार को आना, सोमवार को आना, ऐसा बोलते हैं। आपका नाम? मेरा नाम दुर्गा राम, मकराना के पास में गाँव रामसिया।